अस्सलामु अलैकुम, आदाब, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। मैं गुलाम रब्बानी आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। अभी हाल ही में इस्लाम मजहब कबूल करके आदिल खान दुर्रानी से शादी करने वाली राखी सावंत का नया नाम फातिमा हो चुका है। लोगों के पास पैसे तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन राखी सावंत की परेशानी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक बेहद ही अफसोसनाक और दुखद खबर लेकर के हाजिर हुआ हूं दोस्तों। आप देखें पूरी वीडियो को आगे विस्तार से। उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करता हूँ। आपको बताता चलूं कि राखी सावंत की मां जया सावंत का निधन हो चुका है। वो मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल में भर्ती थी। राखी की मां को ब्रेन ट्यूमर था। राखी के पति आदिल खान ने जया सावंत के निधन की खबर को कंफर्म किया है। जया सावंत की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। पिछले कुछ समय से राखी सोशल मीडिया पर माँ के हेल्थ को लेकर लगातार अपडेट साझा कर रही थी। पपराजी से बात करते हुए कई बार वो फुट फुट करके रो पड़ी। राखी के फैंस लगातार उनकी मां के लिए दुआएं मांग रहे थे। उन्होंने अस्पताल से अपनी मां का वीडियो शेयर करते हुए फैंस से गुजारिश की थी, सभी दुआ करें कि उनकी मां जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। राखी के लिए ये सदमे की तरह है। ई टाइम्स से बात करते हुए राखी ने बताया कि उनकी मां का निधन हो गया है। राखी ने कहा, मां अब नहीं रही। उन्होंने बताया कि उनकी मां का मल्टी ऑर्गेन फेल हो गया था। वो गंभीर स्थिति में थी। कैंसर उनके किडनी और फेफड़ों तक में फैल गया था। अपनी बात कहते कहते राखी रोने लगी। राखी की मां पिछले 3 साल से कैंसर से जूझ रही थी। उन्होंने इससे लंबी लड़ाई लड़ी। बीच में उनकी स्थिति में सुधार भी आया था। राखी पहले ये भी बात बता चुकी कि मां के इलाज के लिए सलमान खान ने उनकी मदद की थी। सलमान बीच बीच में उनकी मां के हेल्थ को लेकर अपडेट लिया करते थे। राखी हाल ही में बिग बॉस मराठी में हिस्सा लेने पहुंची थी। बाहर निकलने पर उन्हें पता चला कि उनकी मां की हालत ठीक नहीं है। वो बिग बॉस से निकलकर सीधे अस्पताल पहुंची थी। शो से बाहर आने पर उन्होंने पपराजी को भी बताया कि वो अस्पताल जा रही है, उनकी मां की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। दोस्तों ये थी बेहद ही दुखद खबर। अल्लाह ताला फातिमा को सब रोज़ जमील अता करे। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को अधिक से शेयर करें, लाइक करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया खबर देखने के लिए।